हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। आज हाजिर हूँ आप सभी के लिए ढेर सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जिनको देखने के बाद आपके समय और पैसे दोनों की बहुत ज्यादा बचत होगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास। हमारे घर में जो न्यूज़पेपर डेली आता है दोस्तों, कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद घर वाले इसको इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं। इसकी एक कोई खास जगह नहीं होती जिसमें हम अरेंज करके रखें और पूरे दिन में जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें हमारा करंट उसी दिन वाला न्यूज़पेपर मिल जाए। इसके लिए आपको एक हैंगर लेना है और हैंगर में अपने न्यूज़पेपर को इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से डाल देना है। ये काम आप डेली कर सकते हैं। घर का कोई ऐसा कोना चुनिए जहाँ पर आप इस हैंगर को हैंग कर सकें और ये सबकी नज़रों में भी आए। तो मैं क्या करूँगी, मेरी घर की लॉबी में भी एक छोटी सी वो अलमारी है, इसके हैंडल में मैं यहाँ पर ये हैंगर हैंग कर दूँगी और ये न्यूज़पेपर यहाँ पर हॉल में पड़ा रहेगा। जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो वो हैंगर में से लेकर इसको पढ़ सकते हैं और वापस से इसी हैंगर में इसको हैंग करके रख सकते हैं। ये देखने में भी ऑर्गेनाइज लगता है और समय पर मिल भी जाता है। नेक्स्ट टिप है गर्मियों में किसी भी फ्रूट को लेकर। जब भी हमारे पास हम फ्रूट लेकर आते हैं और फ्रूट को कभी अगर हमें खुला रखना पड़ जाए, जैसे कभी हम फ्रूट को वॉश करके ही रखते हैं कि पानी छन जाए तब हम इसे लोगों को खाने को दें, ऐसे टाइम पर आपने देखा होगा कि हमारे फ्रूट के आसपास छोटे छोटे कुछ काले काले कीड़े जो है उड़ते रहते हैं, मतलब मंडराते रहते हैं। इन कीड़ों का ऐसे कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है क्योंकि ये फ्रूट पर आते ही आते हैं। इसके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि आपको लेना है इस तरह का फोम। फोम जेल जो हमारे पास होता है, हमारे पास हमारे हस्बैंड लोग यूज़ करते ही हैं, आपको फोम लेना है। ये फोम को आपको निकालना है थोड़ा सा कटोरी में, तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा आप फोम ले सकते हैं और थोड़ा सा ही निकालते हैं, आप देखते हैं खूब ज़्यादा निकल जाता है, इतना ही सफिशियंट होता है। इसे आपको फ्रूट के पास रख देना है। फ्रूट के पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कीड़े हैं वो आते नहीं हैं, और अगर वो आते भी हैं ना, वो अगर उड़ते भी हैं तो इसी फोम पर आकर बैठते हैं। फोम का जो स्मेल होती है वो उन तरह के कीड़ों को अट्रैक्ट करती है और फ्रूट पर लगने वाले जो छोटे छोटे भुनगे होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसकी वजह से इस पर आकर चिपक जाते हैं और हमारे फ्रूट पर नहीं आते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो इस शेविंग फोम का यूज़ आप किसी जगह की क्लीनिंग में भी ले सकते हैं या फिर आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फोम रखने के बाद आप देखेंगे फ्रूट को चाहे आपने 4 घंटे भी खुला छोड़ दिया, लेकिन फ्रूट पर किसी भी तरह का कीड़ा आकर लगता नहीं है, चिपकता नहीं है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमारे पास इस तरह के टिश्यू के पैकेट्स होते हैं। हमें टिशू की तब जरूरत पड़ती है जब हमें हाथ पोछना होता है। घर में हम कभी कई बार टिशू का इस्तेमाल खूब ज़्यादा करते हैं, ऐसे टाइम पर आपको टिशू का एक पैकेट लेना है और पैकेट पर पीछे यहाँ पर आपको टेप को लगा देना है। यहाँ पर आप डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी डबल साइड टेप नहीं है तो मैं यहाँ पर जो चौड़ा सेलो टेप होता है उसको इस तरह से इसमें लगा रही हूँ, जिससे हम इसको ईजिली कहीं पर भी स्टिक कर सकें। इसे हम स्टिक कर सकते हैं अपने वॉश बेसिन के पास या फिर सिंक एरिया के पास। जैसे मैंने यहाँ पर इसको किचन सिंक के पास अटैच करके रखा है, उससे क्या होगा कि जब भी हम किचन में हैंड वॉश करेंगे, अगर हम किचन में किसी तरह के हाथ पोछने वाले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑब्वियस है कि हम टिशू से ही हाथ पोछेंगे। आप किचन में हाथ पोछते हैं या सिंक में हाथ पोछते हैं, इसके जस्ट बगल में आपको टिशू की पैकेट मिल जाएगी और ईजिली आप इसमें से टिशू निकाल कर अपने हाथों को पोछ सकते हैं और हमारा बहुत सारा समय बचता है कि अब हम जा रहे हैं टिशू को खोज रहे हैं तब हम कहीं जाकर अपने हाथों को पोछ रहे हैं। पास में मिलेगा तो फटाफट से काम आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पैकेट्स को लेकर। हमारे घर में इस तरह के चिप्स, कुरकुरे या फिर किसी भी तरह के मसालों के पैकेट्स खूब होते हैं। कई बार हम इनको डिब्बों में खाली नहीं करते, ये सोचकर कि जब इनकी ज़रूरत होगी तभी हम पैकेट को खोलेंगे। अब ये पैकेट इधर उधर पड़े होते हैं तो किचन भी ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है। इसके लिए आपके साथ एक अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको लेना है एक हैंगर और हैंगर में आपको डालने हैं क्लॉथ पिन। हमारे पास क्लॉथ पिन खूब सारे घर में पड़े होते हैं, इजीली हम इनका यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 क्लॉथ पिन आपको लेना है जितने पैकेट्स हैं, और सभी पैकेट्स को एक एक क्लॉथ पिन में आप सेट कर दीजिए। इवन मसालों के पैकेट हैं, मैगी के पैकेट हैं या फिर चिप्स कुरकुरे के पैकेट हैं, किसी भी तरह के ऐसे पैकेट्स जो आपको अपनी नज़र के सामने चाहिए और आप इनको ऑर्गेनाइज भी देखना चाहते हैं, तब आप इन पैकेट्स को हैंग करके किचन पर भी कहीं पर भी हैंगर समेत लटका दीजिए और जब आपको चाहिए तो आपकी नज़र के सामने होंगे, ईजिली आपको मिल भी जाएंगे। बच्चों को चाहिए तो वो भी लेकर चिप्स वगैरह खा सकते हैं। हमारी जो सिंक होती है उसकी क्लीनिंग को लेकर एक अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारी सिंक होती है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इसमें ग्रीसी दाग होते हैं, इसमें हल्का सा कालापन जमने लगता है, मिनरल्स के दाग जमने लगते हैं। ऐसे टाइम पर हम क्या उपाय करें कि सिंक हमारी बिल्कुल नई जैसी हो जाए। यहाँ पर मैं नॉर्मल सिंक क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंक क्लीनिंग की बात कर रही हूँ जो कि हम वीकली या फिर 15 डेज पर करते हैं।
उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी सिंक बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने नई सिंक ही लगवाई हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सिंक होती है उस पर ध्यान देंगे और देखेंगे गंदगी कहाँ कहाँ पर है। उसके लिए आप ले लीजिए 2 चम्मच आटा, 2 चम्मच सूखा आटा लेकर आपको इसको अपने किचन सिंक पर छिड़कना है, अच्छे से चारों तरफ छिड़किए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं ले रही हूँ पीताम्बरी से, जिससे हम पीतल और तांबे के बर्तन साफ करते हैं। ये वही पीताम्बरी है, 2 चम्मच पीताम्बरी लेना है। पीताम्बरी को भी आटे के साथ साथ ही आपको अपने सिंक में स्प्रिंकल करना है। अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे बिना कंजूसी के, क्योंकि ये जो पीताम्बरी है यही आटे के साथ मिलकर हमारे सिंक पर बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। आप सोच रहे होंगे कि इससे तो तांबे और पीतल के बर्तन साफ करते हैं, पर इस बार आप पीताम्बरी से अपने सिंक को भी क्लीन करके देखिएगा। अब इसके बाद जब पीताम्बरी डाल दी है तो कोई सा भी पुराना स्क्रबर ले सकते हैं, और उसके बाद से थोड़ा सा पानी लीजिए, स्क्रबर को हल्का सा गीला करिए और इस स्क्रबर से अपने पूरे सिंक को अच्छे से रगड़ दीजिए। पीताम्बरी और आटे का जो मिक्सर है उसको अच्छे से आपको पूरे सिंक पर अप्लाई करना है, अच्छे से रब करना है। हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। बीच की जो जाली है उसको भी अच्छे से क्लीन करिए, जाली में भी चाहिए तो आप थोड़ा सा पीताम्बरी डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये जो जाली है इसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया से हमारा सिंक एकदम साफ क्लीन होने लगता है। साइड की जो गंदगी है, अक्सर वहाँ पर मिनरल्स जमते हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी काई जैसी भी जम जाती है कई बार, अगर हम इसको ब्रश से ना साफ करें। हर उस जगह पर आप इस मिक्सचर को अप्लाई करिए। 1-2 मिनट बाद जब आपने इसको रख लिया, आपको लगे कि अब ये अच्छे से हो गया है, हमने रब कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, पानी से, नॉर्मल पानी से पूरे सिंक को अच्छे से वॉश करेंगे। अब यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से चमकाने के बाद नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से जब हम वॉश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सिंक तो बिल्कुल नई जैसी होगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपकी सिंक इतनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगेगी। चलिए मैं इसको पूरा वॉश करके ही दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी सिंक कितनी बढ़िया तरीके से चमकने लगी है, ऐसी शाइन कर रही है जैसे हमने बिल्कुल नया सिंक लगवाया हो। इवन आप इसमें अपना फेस तक देख सकते हैं कि सिंक अभी हमारी ऐसी क्लीन हो गई है। सिंक साफ करने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल सा है, लेकिन आप इसको वीक में एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका है और इससे हमारी सिंक बिल्कुल साफ हो जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जब हमारे घर के कर्टन जो होते हैं कई बार ऐसे ही लटके होते हैं, कई बार हमें अपने कमरों को नया लुक देना होता है, पर्दों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप पर्दों को वीडियो में दिखाए गए तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोनों साइड को आपको पकड़ना है और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेते हुए, जैसे हम लोग बालों की चोटी बनाते हैं, हम लोग पहले फ्रेंच चोटी बनाया करते थे, थोड़े थोड़े बाल दोनों साइड से लिया करते थे, ऐसे ही आपको पर्दे के दोनों साइड से आपको पकड़ना है और इस तरह के जैसे प्लीट्स दिख रहे हैं, प्लीट्स नुमा आपको एक पैटर्न की शेप देनी है। देखने में ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी प्लीट्स पड़ी हैं, नीचे का पार्ट भी अच्छे से सेट है। अब इस जगह पर आपको लेना है कोई सा भी रबड़ बैंड, किसी अपोजिट कलर का लेंगे तो ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे मैंने व्हाइट पर पर्पल हेयर बैंड का यूज़ किया है, पिंक कलर का हेयर बैंड लिया है। अच्छे से प्लीट को सेट करिए, हेयरबैंड को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार नॉट लगाएंगे। ये देखिए हमारी प्लीट्स वाले पर्दे कितने बढ़िया तरीके से लगकर रेडी हो गए हैं। जब कभी घर में गेस्ट आते हैं तो इस तरीके से आप अपने रूम को, ड्राइंग रूम को, वहाँ के कर्टेंस को ऑर्गेनाइज करके देखिए, फेस्टिवल्स पर ऑर्गेनाइज करके देखिए, ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मुझे तो ये तरीका पर्सनली बहुत पसंद होता है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।